तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले कि हमको केमिस्ट्री में कैसे अप्रोच लेना है लास्ट के 4 मंथ में। ठीक है, तो अब हमारे पास नीट 2021 आने वाला है, तो हमारे पास मंथ बचे जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, तो 3 मंथ्स है, जनवरी, फेब्रुवरी और मार्च ये अलग लेंगे और हम अप्रैल का मंथ अलग लेंगे। हम मान के चल रहे कि नीट का एग्जाम जो है अभी तक पोस्टपोन नहीं हुआ, तो हम मान के चल रहे कि एग्जाम मई में है। अगर एग्जाम आगे बढ़ता है तो हम जो एक्स्ट्रा टाइम मिला, ठीक है, मिलेगा, उसमें हम कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो जो टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा स्कोर करके दे सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन अभी हम लोग 4 मंथ स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो सबकी अलग अलग होती ही है, लेकिन 4 मंथ में, क्योंकि मुझे इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि फिजिक्स को कैसे करें 4 मंथ में, किसी ने कुछ पढ़ा है, किसी ने कुछ पढ़ा है, तो हम एक प्रॉपर एनालिसिस भी करेंगे और क्या एक स्मार्ट वे होगा कि हम इससे बाहर निकल पाए। ठीक है, तो वो हम सब देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको जो है सारे डाउट्स का सॉल्यूशन दे देता हूँ। ऊपर से आप मुझे आपका हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्विज करते हैं और इंटरेस्टिंग क्विज भी होते हैं, डाउट्स भी डिस्कस होते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और हम लोग अन अकेडमी पर एक क्विज भी ले रहे हैं। ठीक है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पहले बता देता हूँ आपको, क्योंकि अन अकेडमी पर मैंने देखा है कि जो है क्विज एकदम अच्छे से कंडक्ट होता है। 30 मिनट्स में, सॉरी 30 क्वेश्चन हम लेते हैं 40 सेकेंड्स के लिए, और आपका टाइम बचेगा और लीडर बोर्ड आपको मिलेगा कंटिन्यूअसली, तो उससे एक हेल्दी एटमोसफेयर बना रहता है। अगर आप रोज ये क्विज अटेंड करोगे तो आपका कहीं ना कहीं स्कोर बूस्ट होगा। ठीक है, तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपनी तरफ से खुद जो है अनअकैडमी में क्विज आपको कंडक्ट करा के दे रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको एक मैसेज दिख रहा होगा, वहाँ पे आप सारे स्टेप्स दिए हुए, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन क्विज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा आज का जो इंस्ट्रक्शंस थे वो हुए। अब हम आते हैं मेन वीडियो पे। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स है, एक आपका है फिजिकल केमिस्ट्री, एक आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैंने जब से नीट एग्जाम के टाइम से मैंने बहुत स्टूडेंट्स की हेल्प भी की है और देखा भी स्टूडेंट्स को कैसे उन्होंने स्कोर बढ़ाया है। ठीक है, मतलब क्या एक कॉमन अप्रोच होना चाहिए, जिनका स्कोर केमिस्ट्री में 60-70 आ रहा था, जब मोस्ट बच्चे फंसे होते हैं उनका स्कोर 130-140 आने लग गया, और कुछ बच्चों ने अच्छा स्कोर भी किया नीट एग्जाम में। ठीक है, जो मेरे बैचमेट्स थे जिनका मैंने कुछ हेल्प किया, ठीक है, मतलब हेल्प नहीं करते, मतलब मेहनत तो खुद का ही होता है, लेकिन कुछ थोड़ा फर मेरे पैसे जो हो पाया मैंने उनको बताया कि मेरा कैसे स्कोर अच्छा आ रहा था, तो उनका भी स्कोर थोड़ा बूस्ट हुआ। तो हम देखते हैं कि क्या एक अप्रोच होना चाहिए। तो पहली बात फिजिकल केमिस्ट्री पे आते हुए, ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपके पास है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है कि अब एनसीईआरटी मत पढ़ो फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, किस चीज के लिए पढ़ने में बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका सॉलिड स्टेट में जो डिफेक्ट्स दिए हुए, सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट्स दिए हुए उसको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लो। कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, वो सारे MNO, वो सारे एग्जांपल आप एक बार पढ़ लीजिए। सेकंड, सॉल्यूशंस में जो पार्ट दिया हुआ है लास्ट में वेंट हॉफ फैक्टर वाला, ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिए, ये आपका हो गया। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट में एक पार्ट दिया हुआ है, कौन सा वाला, जो एरेनियस इक्वेशन वाला पार्ट है, उसमें कुछ जो दिए हुए कोलिजन वाले पॉइंट्स जो इस साल आ भी गया था वो आपको पढ़ना है। ठीक है, कोलिजन्स वाले पॉइंट क्या फॉर्मूला होता है, ये बहुत जगह मॉड्यूल्स में नहीं दिया होता, अगर आप मॉड्यूल कर रहे हो तो ये, ठीक है, अगर आप कोई भी मॉड्यूल नहीं कर रहे हो तो आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, या कोई आप रेफरेंस बुक नहीं पढ़ रहे हो तो आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ोगे। उसके बाद डी आते हुए आपके 11th के चैप्टर्स पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो मॉडल्स दिए हुए वो एनसीईआरटी में दिए हुए पोर्शन में नहीं है, फिर भी आप उसे एक बार पढ़ लो। ठीक है, जो मॉडल से अलग अलग, ठीक है, प्लम पडिंग मॉडल, वो सारे मॉडल आपको एक बार पढ़ने हैं। उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें एनसीईआरटी में इतना कुछ दिया हुआ नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर में स्टार्टिंग में कुछ चीजें दी हुई है, जैसे कि आपका इंटरेक्शन दिया हुआ है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर कितना होता है, हर केस में अलग अलग, वो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है वो आपको याद करने। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में इन पार्ट्स के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, याद कर लिया। उसके बाद जो जहां से आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर देखो, क्वेश्चन लगाओ, सीधा लेक्चर देखो, फॉर्मूला शीट बनाओ, क्या बनानी है आपको, फॉर्मूला शीट्स, अगर आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट का है पहले से बना हुआ, अगर मैं आपको दे रहा हूं तो आप उसे रिवाइज कीजिए एक या दो बार, फिर क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन कितने होना चाहिए, 100 से 150, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। ठीक है, और आपके लगभग 60-70 क्वेश्चन पीवाईक्यू होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने ये कर लिया, इतना कर लिया, कंसेप्ट समझ लिया, फॉर्मूला शीट या फॉर्मूला रिवाइज कर लिए, 100-150 क्वेश्चन लगा लिए और 60-70 पीवाईक्यू लगा लिए, आपका चैप्टर
रेडी है। अब क्या करना है आपको, इसके बाद सिर्फ आपको इन चैप्टर्स को रिवाइज करना है, फॉर्मूलाज हर बार आप जब उठाओगे, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, ये सब अभी हो गया है, ठीक है, ये आपका अप्रोच होना चाहिए। इस सबसे प्रिपरेशन कीजिए फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा वेटेज कम भी आ रहा है, ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ये आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। अब आते हैं आगे, आगे क्या हमें पढ़ना है और, ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया फिजिकल केमिस्ट्री, अब आते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है, पहले हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत लोगों को टफ जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको क्या करना है, पहली चीज, बेसिक चीज, आपको बेसिक समझने, ठीक है, कौन से बेसिक्स है, टॉपिक्स के नाम लिख रहा हूं मैं, ये आपको याद हो, याद मतलब समझ में आने ही चाहिए, रट्टा मार के यहाँ पे काम नहीं चलेगा। कौन से IUPAC नेमिंग हो गया आपका, बी हो गया आपका आइसोमेरिज्म, हर जगह काम आएगा और क्वेश्चन भी डायरेक्ट आएंगे। थर्ड आपका हो गया आइसोमेरिज्म के बाद GOC, अब ये वास्ट टॉपिक है, GOC एक वास्ट टॉपिक है, आपका शायद आप इतना डिटेल में अभी पढ़ ना पाओ, तो आपको क्या पढ़ना है, फोकस किस पे करना है, पहली चीज है आपको कार्बोकैटायन बनाना आना चाहिए, क्या होता है कार्बन आयन पता होना चाहिए, कार्बन फ्री रेडिकल पता होना चाहिए, उसके बाद आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी कैसे जज करते हैं, ठीक है, थीके? फिर आपके अलग अलग टाइप के जो इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका रेजोनेंस वाला मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए सारे इफेक्ट्स, कैसे इनका क्या होता है बेसिक्स, ठीक है, ये आपको करने में लगभग, मैं बता रहा हूँ, IUPAC आइसोमेरिज्म आप एक दिन में कर लोगे, GOC को आप 2 से 3 दिन 4 दिन दीजिए, क्यों मैं बता रहा हूँ इसका रीजन, क्योंकि इसको करने से आपका जो आगे रटने वाला पोर्शन है वो कम हो जाएगा, ठीक है, तो आपको टाइम इसको देना है, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको क्या देना है, टाइम देना है थोड़ा फर्क। उसके बाद जैसे आप ये 3 चैप्टर प्रिपेयर कर लोगे, आपका समझ लो आप आधा ऑर्गेनिक निकाल चुके हो, ठीक है, फिर आपको प्रिपेयर इसमें सब कुछ आ जाएगा, SN1 रिएक्शन क्या होता है, SN2 क्या होता है, E1 E2 क्या होता है, इतना पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है, ये थोड़ा 4-5 टर्मिनोलॉजी है, आप समझ लो, एक बार खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप पढ़ोगे सारे थ्योरेटिकल चैप्टर, अब क्या करना है आपको, मैंने नोट्स पहले ही अपलोड कर लिए, चैप्टर कौन से है इसमें, हाइड्रोकार्बन आपका है, सही है, एक आपका है हैलाइड्स वाला चैप्टर, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स वाला, उसके बाद एक आपका अमाइंस वाला है, अल्कोहल वाला है, ठीक है, और कोई छूट गया आपका, एल्डिहाइड है, कीटोन, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। अब क्या है ना, कुछ रिएक्शंस कॉमन है, जैसे क्लेमेंसन रिडक्शन हाइड्रोकार्बन में भी आएगा, आपका एल्डिहाइड में भी आएगा, ठीक है, वुल्फ किशनर ये आपका हाइड्रोकार्बन में भी आएगा, आपका हैलाइड्स में भी आएगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन आपको क्या करने हैं, मैंने पूरा PDF, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 80 पेजेस का PDF है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड JEE, ठीक है, ये आपका मैंने फर्स्ट लाइन से व्हाट इज कार्बन, मतलब इस तरह से क्वेश्चन, मतलब कार्बन में क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, वहां से लेके एकदम जो मतलब मैक्सिमम पीक नीट में पूछ सकते हैं विथ क्वेश्चन विथ एम्स के क्वेश्चन, उसके मैंने नोट्स बनाए थे अपने टाइम पे खुद, और मैंने समराइज किया था, ये मैंने दिवाली के टाइम पे बनाए थे कुछ नोट्स, 80 पेजेस के नोट्स थे, और मैंने लगभग इस नोट्स को लास्ट के मंथ में 3-4 टाइम्स मुझे याद भी नहीं, मैंने बहुत बार रिवाइज कर लेते ये नोट्स, ठीक है, तो इसके इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ये नोट्स पढ़ने से, रिवाइज करने में आपको हेल्प मिलेगी, तो नोट्स बनने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मेरे नोट्स हो जाए टेलीग्राम पे पड़े हुए, नहीं मिल रहे आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वहां पे लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से ले सकते हो, तो ये होगी बात, ठीक है, तो आप इसे प्रिपेयर कीजिए। अब इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, आते हुए पहले हम इसको रब कर देते थोड़ा, मतलब बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, ये रब कर दिया। अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो लास्ट के चैप्टर्स है, बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, और पॉलीमर्स, इससे क्या होता है कि पहले क्वेश्चंस आते नहीं थे, कभी कभी आते थे, अब क्या हो रहा है कि इसे इन सब मिला के 3-4 क्वेश्चन आपके मिलेंगे, कंपलसरी मिलेंगे, और कहां से मिलेंगे वो भी पता है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब आपको क्या करना है कि इनको रटना चालू कीजिए अभी से, इसको रटिए अच्छे से, टाइम देके तीनों चैप्टर को एक एक दिन दीजिए, टोटल 3 डेज दीजिए। उसके बाद क्या करना है, हर मंथ आपको इन चैप्टर्स को रिवाइज करना है, इससे क्या होगा कि आपको परमानेंट मेमोरी में घुस जाएगा ये, मुझे अभी भी याद है कि कौन से पॉलीमर्स के मोनोमर्स थे, क्या क्या चीजें थी, तो इसको आप बार बार रिवाइज कीजिए। बायोमोलिक्यूल्स में टेबल बना हुआ है विटामिन का, ठीक है, उस टेबल में से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है इस साल,
ठीक है, कौन सा रिड्यूसिंग है कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है उनमें से क्वेश्चन आएगा। अब इंपोर्टेंट एक और बात है, पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस साल क्वेश्चन आया था और शायद अगले साल क्वेश्चन आएगा। अगले साल क्वेश्चन आएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे, जो जिडास मेथड है डुमास मेथड है उनमें से कोई एक। तो वो क्या करना है, एक बार ऑनलाइन लेक्चर देख लो और फॉर्मूलाज याद कर लो, ठीक है। और जो क्वालिटेटिव वाला पार्ट है, क्वालिटेटिव मतलब जो कलर वाला पार्ट है, उसको भी आप एक बार समझ लो और याद कर लो कलर्स को टेबल के फॉर्म में लिख के, एनसाइड में जितना दिया हुआ है उतना, ठीक है। अब आते हैं हमारा जनरल और अपना, अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे, सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है। ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगा प्लान करने में। अब देखो आपके पास जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पहले पढ़ना है। ये क्या होता है, GIOC, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब इसमें आपका आता है पीरियोडिक टेबल और इसमें आपका आता है केमिकल बॉन्डिंग। अब क्या है ना, अगर आपको सच बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपने पीरियोडिक टेबल को समझ लिया है, रट लिया है, आपने केमिकल बॉन्डिंग को समझ लिया, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, सारी चीजें जो होती है अगर आपने एक बार समझ लिया यहां से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, तो आप 50% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कर चुके हो, ठीक है। यहीं पे सब आता है, हाइब्रिडेशन यहीं पे आता है, बेंट रूल, ड्रेगोज रूल, बहुत सारे रूल्स आते हैं। आप टेबल के फॉर्म में लिखिए, एक शीट बनाई है, ठीक है, तो आपको 50% काम जो है यहीं पे जा रहा है अगर आप ये दो चैप्टर्स कर रहे हो। अब आपके पास बचता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी, एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। SPD आपको रटना है NCERT प्योरली, ठीक है। सम या अगर आपने ये पीरियड टेबल केमिकल बॉन्डिंग कर लिया, आपको रटने में बहुत कम टाइम लगेगा SP और DF को। आप इसे रटिए, इसके कुछ नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल सकते हो, वो आपको टेलीग्राम पे आपको मेरे मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, लोगों को डर लगता है। अब याद रखो मेरी एक बात याद रखो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है आपका, उससे 3 से 4 सवाल आने हैं। कितने आने हैं, 3 to 4 questions आने हैं। अब क्या करो आप, इन questions के लिए NCERT को एक बार पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट बहुत कम है उसमें, बहुत कम। उस चैप्टर को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। आप एक तो आपको पता है क्वेश्चन कैसा आएगा, एक तो हाइब्रिडेशन पे आ जाएगा, ज्योमेट्री पे आ जाएगा, sp3d2a, d2sp3a, इनर ऑर्बिट, इनर स्पिन वाले है, आउटर स्पिन वाले, उस पे क्वेश्चन आ सकता है, गारंटीड है क्वेश्चन आएगा, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है कि टेट्राहेड्रल है, ठीक है। आपको अगर पता हो, ठीक है, कि टेट्राहेड्रल मतलब क्या, स्क्वायर प्लेनर मतलब क्या, अगर आपको डी ऑर्बिटल लगा इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स निकलना आता हो, तो आप इस चैप्टर को कर लोगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को, आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी एक ऑनलाइन कोर्स से सीख लो, जैसे कि आपका अरविंद अरोरा सर का भी है, ठीक है। मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, अरविंद अरोरा सर का एक वीडियो भी है जिसमें पूरा एक डिटेल में वीडियो है, 2-3 घंटे का समझाया हुआ। आपको कई ऐसे वीडियो आने का मिल जाएंगे, तो वहां से आप पढ़िए ये दोनों ही चैप्टर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपका हेल्प होगी, आपको यहाँ से 3 to 4 questions आप कर पाओगे इजीली। अब बचेंगे मेटलर्जी, हाइड्रोजन। जब टाइम मिले आपको, थोड़ा सा आपको लगे आज बोर हो गया यार, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, उठाइए हाइड्रोजन, उठाइए मेटलर्जी, इसको आप रिवाइज करते चलिए टाइम टू टाइम, ठीक है। इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। देखो जनरल आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। क्यों होता है, मैंने इस बार देखा कि बहुत, इस बार नहीं हर बार देखता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से उठ के आते हैं, लेकिन एक पॉइंट याद रखो, प्रीवियस 32-33 ईयर्स के करो। क्या होता है ना, कोई क्वेश्चन 1995 में आया होता है वो रिपीट होता है, तुरंत वाले क्वेश्चन थोड़े कम रिपीट होते हैं, लेकिन 1995 वाले ज्यादा होते हैं। हर कोई रेफर आपको बोलेगा कि आप लेटेस्ट कीजिए, लेटेस्ट कीजिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेटेस्ट नहीं आते, पुराने वाले आते हैं। तो कम टाइम जाएगा, 32-33 ईयर्स वाले क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए पेपर्स पे, मतलब ज्यादा पेपर लगाइए। आपको कोई पेपर मिल जाए, आपको आपके क्लास में पेपर है, ऑनलाइन कोई पेपर मिल जाए, आपको 100 क्वेश्चन मिल गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। तो टाइम कीजिए कि मैं 75 मिनट्स में या 60 मिनट्स में पूरे क्वेश्चन कर दूंगा, और फटाफट करने बैठ जाइए, जितने आ रहे टिक कीजिए, जितने नहीं आ रहे उतने छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये होता है आपका पूरा अप्रोच। तो आपको इस तरह से केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करना है। आप क्विज दे सकते हैं, अभी हम और क्विज लाने वाले केमिस्ट्री फिजिक्स पे, बहुत बड़े बड़े क्विजेस आपको जो नीट एग्जाम में हेल्प देगा, ऐसे हम लोग क्विज
लाने वाले हैं। उसके साथ आपको और टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं, आपको हेल्प मिलेगी, नोट्स मिलेंगे। तो आप नीट 2021 का अगर एस्पिरेंट हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2022 वालों के लिए हम तुरंत एक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम लोग पूरा कंप्लीट देखेंगे स्ट्रेटेजी फिजिक्स को हैंडल करने के लिए और केमिस्ट्री को हैंडल करने के लिए आपके पूरे 1 ईयर जो बचा हुआ है 1.5 ईयर में, ठीक है। तो उसके लिए अभी आप स्टे ट्यून्ड रहिए, आप चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, बैचमेट्स में, जिनको भी आप जानते हो, ठीक है। तो जो वीडियो है आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कुछ थॉट्स हो आपके जो आपको अगले वीडियो में जानना हो, या आपको मैसेज करना हो, या आपको मुझसे कुछ सजेशन चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाय बाय।